दे। हाँ बोल। अच्छा अच्छा हाँ कर रहे ना यार। अरे अच्छा चल चालू भाई क्या ये शादी क्या चलो। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गया तो मैच की तरफ घूमते हैं। लैंग्वेज बैरियर इज देयर। चलो स्टार्ट करते हैं मैच। पहली ओवर लेके आए हैं शिवांश इलेवन की, सोहेल खैराज उनकी स्ट्राइक लेंगे। भरम बनवासी ओवर टू मिलन। देखते हैं पर तू बोल। गेंद, अच्छी गेंद मिलन। धर्म ने इनको थोड़ा सा पैरों में खिलाने की कोशिश की है सोहेल खैराज ने। ये अपने जीवन को 270वां मैच खेल रहे हैं, धर्म इनका 550वां मैच। ये चलो अगली गेंद सामना करेंगे और नो चेंडू हनी डिक्लेयर। डिक्लेयर जोन में फुल गोटार्ड को स्ट्राइक गई है। देखते हैं क्या करते हैं प्रफुल्ल गोटार्ड। ये फ्री है, फ्री ही मतलब आप कुछ भी इसमें कर सकते हो, फ्री कर सकते हैं। सिक्स मारेंगे तो फ्री है, आउट होंगे तो भी फ्री है। चलो देखते हैं क्या करते हैं प्रफुल्ल। अगली गेंद सोहेल की सामना करेंगे प्रफुल्ल गोटार्ड और जोरदार घुमाया है। अच्छी अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, बढ़िया 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 क्षेत्र रक्षण। अगली गेंद सामना करेंगे धर्म बेनबंसी, सोहेल खैराज की तीसरी गेंद ऑफ के दिशा में पहला शॉट, एक रन से रन बढ़ोतरी। धाव संख्या बदली रही थी चार, तीन चेंडू चार धावा। पूरी चेंडू सामना करती है प्रफुल्ल गोटार्ड। अरे बोल, लेजी फील्डर की तरफ से अच्छी फील्डिंग। चलो अच्छी फील्डिंग की है राहुल ने, चार चेंडू पांच धावा चल रहे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सोहेल। लेंथ में काफी अच्छी लेंथ रख रहे हैं और बीट किया है बैट्समैन को, धर्म जैसे बेहतरीन बैट्समैन को बीट करते हुए सोहेल। मुझे लगता है काफी प्रैक्टिस की है सोहेल ने और कॉन्फिडेंस उनका हाई लेवल। धर्म जैसे बल्लेबाज को डॉट बॉल डालना मतलब और इससे बेहतरीन गेंद। इनकी लेंथ है आशीष, वो नो लाइन के थोड़े आगे गिर रही है। काफी मैच चालू होने से पहले पिच का निरीक्षण किया था मेरे सामने ही, लाइन लेन देख के एक ओवर की समाप्ति पे रन जो हुए हैं तो काफी इकोनॉमी। ए धर्म एक मिनट, चलो इकोनॉमिक के हिसाब से सोहेल इज द बेस्ट बॉलर अभी फिलहाल। कैप्टन आते हुए बॉलिंग लाइन पे देखते हैं राहुल क्या कर सकते अपनी टीम। क्या सोचा होता है उन्होंने सोहेल को ओवर देने से पहले राहुल ने, तो आपको क्या लगता है? नया बॉल था तो उन्होंने सोचा पहले ओवर डाल के निकाले तो डेड लाइन बॉल, बड़ी विकेट, बड़ी मछली बॉल में, बहुत बड़ी मछली कमा दी है और इससे की जगह जगह पे कैप्टन आए हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। कैप्टन ने जिस प्रकार से रणनीति अपनाई थी उसमें थोड़ा सा विघ्न डालते हुए राहुल ने अपनी गेंदबाजी से, अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं राहुल। आशीष में पूरा टाइम में जाना चाहूंगा, लास्ट ईयर बच्ची बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेला था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेल रहे थे वो बच्ची, शायद मैन ऑफ द सीरीज भी थे। देखते बैट्समैन थे और बैट्समैन थे, फाइनल तक लेके गए थे और जिताया भी था। चलना चलो अगली गेंद कैप्टन सामना करेंगे राहुल का, देखते हैं कैप्टन वर्सेस कैप्टन की जंग है। और पहली गेंद बीट यॉर्कर, राहुल जो कि ग्राउंड में ज्यादा एक्टिव नहीं थे फिर भी उनकी जो गेंदे आज गिर रही है किसी को समझ नहीं आ रही है। मैं कहना चाहूंगा कि एसपीएल के दिन अलग ही निकल के आते। चलो अगली गेंद, नो नो डाली है, नजर लगी हमारी और बस कमेंटेटर कर दिया कंफर्म सा बगुया। कमेंटेटर कर्स बगुया पूरी चेंडू सामना करती गेंदबाजी फिर से इनकी लाइन में थोड़ी अभी क्या हुआ है ये, अभी तो दो गेंदे अच्छी थी मिलन, लगता है तारीफ का असर सर पे चढ़ चुका है।
कमेंटेटर कर्स भी हम इसे कह सकते हैं, एक लैंग्वेज में कहा जाए तो कमेंट्री के। देखते हैं कैसे कमबैक करते हैं। और ब्रिजेस पर फ्लीट का चांस और डबल फ्लीट होगी, मुझे तो लग रहा है बॉल बाहर जाएगी और फोर नहीं फोर नहीं हटा दिया। बहुत बेहतरीन फील्डिंग सोहिल की, अच्छी 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 डायरेक्शन, ग्राउंड कवर कितने, ये लग रहा है ये मैच में सोहिल ही सोहिल है, जहां पे देखो सोहिल है, बॉलिंग में सोहिल है, फील्डिंग में सोहिल है, बैटिंग में भी आएंगे फिर से नो। और शायद कैप्टन को समझाने की जरूरत है यहाँ पे टीम मेंबर्स को, चलो कैप्टन थोड़े हाइपर हो चुके हैं और पानी दे दो इनको, जरा सपोर्ट करिए कैप्टन को, चीयर करिए। माय गॉड क्या सट्टे आ रहे हैं, क्या मिला प्रफुल जो इतने बड़े सट्टों के लिए जाने नहीं आते, पर उन्होंने अभी एस्ट्रेल के बीच हफ्ते को देख के सबसे खराब देखा है। दस संख्या डल गई थी, 16 चेंडू, तीन चेंडू, चार चेंडू, 16 दवा और बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, कम बैक अच्छा हुआ, कम बैक अच्छा किया उन्होंने। अगली गेंद देखते क्या होता है। और प्रफुल ओ कारपेट के साइज से बहुत बेहतर, बाबू फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं, वो ऑलराउंड खेलते हैं बॉलिंग के लिए। बाबू का जो मुझे याद आया है, दो ओवर की समाप्ति पे रन हुए है 17, अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी और पावर प्ले में, जो की लास्ट मैच में हमने देखा कि दो ही ओवर में 50 रन हो चुके थे, अभी देखते हैं। बट वो जो टीम थी वो टीम का नाम था मायरा 11, दो दो बल्लेबाज थे, एक आप और एक बॉडी, काफी समझा था कुछ उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जब भी आपके साथ सीनियर प्लेयर रहते तो आपको समझाते रहते कि आप अपना गेम खेले, तो उन्होंने मुझे फुल फ्रीडम दी कि आप अपना, चलो आगे गेम की तरफ बैठे। दो ओवर 17 रन, अगले जो बॉलर है राहुल के छोटे भाई लक्ष्मण, देखते लक्ष्मण क्या करते हैं, लक्ष्मण उर्फ बाबू, इनकी गेंद मैंने प्रैक्टिस, बाबू की जो लास्ट मैंने मैच देखा 6 बॉल 20 रन, पारी जो है वो लास्ट 20 साल तक अभी देखेंगे, फिर भी ये खुद को प्राउड करेंगे, क्या बोलते हैं नीना। मैं इनकी गेंद प्रैक्टिस में खेल चुका हूँ, इनके गेंद में बाउंस नहीं है सर, नीचे रहता आशीष जी का बॉल, चलो प्रफुल अगली गेंद देखेंगे, बाबू की फुलटॉस गेंद, बहुत बेहतरीन दो रन फुलटा ने, मुझे लगता है कि जो जो अपना रंग था वो आज आज दिखा रहे, और प्रैक्टिस में भी कम आते थे, शायद इन्होंने ये गेम छुपा के रखा था हमारे से, और आज ही के लिए ये गेम निकाला इन्होंने, इसीलिए तो ओपनिंग में भेजा उनके कैप्टन ने उनको, कैप्टन बहुत स्मार्ट है उनके। अगली गेंद क्या मार रही है आज ब्रिजेश, कमन यार उनको थोड़ा बताओ कि बैट सीधा रखेंगे तो ये 2-6 कर सकते हैं। भाव संख्या दोनों ने भर भाव संख्या धल लिया थी 21, भाव संख्या धल लिया थी 21, सोहेल कुछ समझा रहे हैं, क्या लगता है आपको क्या काम मंत्र दे रहे हैं। वो शायद बोल रहेंगे नो लाइन के आगे डाले, उनको इतना टाइम मत दीजिए, थोड़ा पेस रखिए, क्योंकि सोहेल ने जो पहली बार हैंडल की थी 6 रन दिया था, बेस्ट इकोनॉमी इस मैच की। अगली गेंद बहुत बेहतरीन, वही गेंद डाला है जो मैं कह रहा था, और ये सबका सबका सबका, और ये देखिए ये होता है कैप्टन, उन्होंने अपना फुल एफर्ट दिया था कि रन आउट ना, और टीम प्रॉब्लम एफर्ट्स आर मैटर्स, आप कितना परसेंट टीम को दे सकते हो, कितने परसेंट से, मतलब जोश जुनून अपना जो भी है देखते हैं, बच्चे दिखा रहे हैं, जो मुझे एफर्ट्स दिखे वो 110% लगी मुझे, 100 से ज्यादा लगी मुझे एफर्ट। बाबू की इस ओवर में आ सकता है क्या एक आधा बड़ा फटका, सामने ब्रिजेस है तो कुछ भी हो सकता है, मैं तो कहता हूँ। और ये उड़ा, ये तो हाथ में लगता है सोहेल 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 और सोहेल विकेट भी, अभी जो बैट्समैन आए वो भी कम नहीं है ब्रिजेस से, चार बॉल स्कोर बताए 22 रन, चार बॉल 22 रन। अगली गेंद बाबू मयूर को डालते हुए उर्फ आटा, देखते अगली बॉल पे क्या करते, और नो बॉल, और ये डिक्लेयर की तरफ जाते हुआ तो स्ट्राइक प्रफुल जी के पास रहेगी, और फ्री हिट है उनके लिए, पहले एक षटकार मार चुके हैं प्रफुल, देखते हैं अभी अगला बॉल क्या करते, फ्री हिट का बॉल
बेहतरीन बॉल, बेहतरीन रन आउट, और ये बड़ी मछली बॉल का, बड़ी मछली काफी सेंस ऑफ माइंड, फ्री ऑफ स्प्रीड था, सेंसिबल क्रिकेट। बाबू ने जो कमिटमेंट फील्डिंग की जो स्टाइल दिखाई है वो अगर प्ले में अगर हम देखेंगे तो नो टाइमिंग के आउट किया। पुराने चावल इन्होंने हमें बताया था कि ये जब कैप में खेलते थे गेंद डायरेक्ट मस्जिद तक जाती थी मारने पर। आशीष जी मुझे लगता है प्रफुल को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि बड़े बड़े बैट्समैन और प्रफुल की तरफ जाते और ये नो डिक्लेअर केलेला आहे, पायाचा नो आहे, तो फ्री असेल। प्रफुलला वाटते आज प्रफुल काय खाऊन आले, ज्यांना नो वरती नो भेटत आहे दात खेळण्यासाठी, मला बॉल टू बॉल सिक्युर करायचं। एक मिनिट एक पंचांकडे एक एक्स्ट्रा बॉल देऊन ठेवा, गेम थांबला नाही पाहिजे, ऑलरेडी खूप टाइम झाला आपल्याला। अरे जुने अरे नहीं यार एक बॉक्स में उसने रखा था अभी मेरे सामने, नो प्लस टू है ये बॉल का है। सोहेल सोहेल बॉक्स किधर रखा, शेवटचा चेंडू आहे या षटकाचा, धावसंख्या झालेली आहे ती 27। अरे तो भिजलेला बॉल आहे, तूने किधर रखा, तेरे हाथ में था ना, नहीं है इधर, अरे बॉक्स खा ले, कृपया बॉलाचा बॉक्स जो पण घेऊन गेला असेल कृपया सुपूर्त करा, आपली मॅच थांबलेली आहे। रिक्वेस्ट है सबसे जिन्होंने भी देखा रो, अरे 5-6 बॉल उसने बॉक्स में रखा ना, कभी नहीं रे, नीचे नहीं है। चला खेळाकडे वळू एकदा पुन्हा, धावसंख्या फ्रीट आहे प्रफुल यांना, बघूया काय करतात प्रफुल गोताड। छोटे बच्चे लोग प्लीज मदद कीजिए, बॉल जहां पे जा रहा है लेके आके दीजिए, आपकी मैच बाकी है। आज कैसी फ्रीट है, याद रखिए फ्रीट है, इस पे कैच आउट नहीं हो सकता। चलो ओवर की समाप्ति, धाव संख्या एक नंबर, धाव संख्या झाली थी 23 ओवर्स और 28 रन, काफी अच्छी गेंदबाजी चालू है इस टीम की। जी सोहेल ने चलो अगली सोहेल खैरा जो कि 6 रन ही दिया था, वापिस गेंदबाजी में प्रमोट किया है उनके कैप्टन ने, कैप्टन ने उनको भरोसा दिखाया और बेहतरीन गेंद फिर से और बांकुलक के हाथ में। आज प्रफुल गोताड काफी जिम्मेदारियों के साथ खेलते हुए, अगली गेंद विजय को सोहेल डालेंगे, देखते क्या करते, और लेग स्पिन और रिपीट किया है, देखते हैं ये गेंद मस्जिद तक जाएगी या नहीं। बच्चे लोग आपकी मैच बाकी है, पार्थवीर प्लीज बॉल का बॉल जहां जाए फील्डर जोन पे, धाव संख्या देखने पर धाव संख्या चल रही थी 28-30, धाव संख्या चल रही थी 30। आशीष जी आप क्या आपने उम्मीद की सोहेल इतनी बेहतरीन बॉलिंग डालेंगे? नहीं, काफी उनका जो मेन रडार है वो बैटिंग का था,
गेंदबाजी इतनी अच्छी कर सकता है। ये कमेंट दीजिए, थैंक यू डीजे। अगले बैट्समैन विनय पागी, वो अपने हेलीकॉप्टर और शॉट्स के लिए जाने आते हैं। विनय पागी, आपका क्या कहना आशीष जी? नहीं नहीं नहीं, वो जो किंग नाम है, किंग ही विल शो लाइव इज किंग। क्या आज रात कर पाएंगे किंग इस ग्राउंड पे? देखते हैं। वो भी काफी जूने खिलाड़ी है, अपने साथ ही बड़े हुए बल्लेबाजी से देखते हैं क्या थे। उनका जो बल्ला नहीं, वो गदा है एक प्रकार की। और सेंसिबल क्रिकेट। और आज चला विकेट कितना गिरा देख। मैं सुन रहा हूँ, विकेट पांच विकेट हो गए, लास्ट दो बाकी है। सेकंड लास्ट विकेट है ये। इसके बाद दाव संकेत, दाव संकेत चल रही थी। कितना हुआ दाव संकेत? कितना हुआ? 30 हुआ है। 30 हुआ है। अगली गेंद विजय ने। सेंसिबल क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट। वो जानते हैं कि उनके बाद कोई बल्लेबाज नहीं है, तो क्या लगता है इनको बच्चे के लिए जाना चाहिए, छोटे छोटे से ही खेलना चाहिए? काफी ओवर्स बाकी है, तो मेरे हिसाब से विजय को थोड़ा स्लो खेल के आखिर के दो ओवर में अटैक करना चाहिए। आपका क्या कहना है आशीष जी? नहीं, ये जो आउट ऑफ द बॉक्स जो सोहेल आए हैं, दो ओवर डाल के कम इकोनॉमी, कम रन, सेंसिबल फील्डिंग और रन आउट, तो उनका वाह ने वाह। वो जो रन गिरा है वो सोहेल की वजह से गिरा है इस मैच में। फुल वन साइड उन्होंने किया है, वो वन मैन शो खेल रहे हैं उनके टीम में, उनके ग्रुप के जो राहुल की टीम के कहा जाए तो सोहेल खैरा जी है इस टाइम। तो इस टाइम पे तो मुझे वही लग रहे, पर देखते आगे कौन कौन निकल के आता है। और जिन्होंने पुराना चावल में ऐसे नहीं कहा था, वो जानते हैं मैच को कैसे घुमाना है। कमेंट दीजिए। एक टाइम था जब विजय या फिर उनके जो कलीग साथ में खेलते थे, मस्जिद तक बॉल जाती थी। वो तो बांधी है, जो दो बांध पार करना है वो उनके लिए शायद कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। क्या बोलते हो? मुझे तो लगता है विजय बड़ी इनिंग खेल के जाएंगे और बेहतरीन गेंद कैप्टन की तरफ से। कम अच्छा करते हैं राहुल, देखा जाए तो अच्छा कम बैक है, बट जो सिक्स था वो बराबर फ्लो से उन्होंने उठाया बॉल। एक्सपीरियंस मैटर करता है, इसी के लिए कहते हैं एक्सपीरियंस विन द मैचेस। तो विजय वही दिखाते हुए और फिर से चाबुक शॉट और एक रन के लिए। बॉल कितना 38 दाव संख्या चल रही थी 38। देखिए, देखते साहिल क्या करते है। और अगली गेंद राहुल साहिल को डालते हुए फुल गेंद और वहां पे राहुल ने अच्छी फील्डिंग की है। एक संख्या दाव ने एक ने और दाव संख्या चल रही थी 39। तीन बॉल 39 रन। देख एक मिनट चलो होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ध्यान नहीं देते हैं। चलो गेंद पे घूमते हैं। अगली गेंद आशीष जी, आपने जो कहा था वो सही, मैं जानता था। वो जो बिना खेले मानता नहीं है। धन्यवाद डीजे। शर्ट का चेंडू या शर्ट का था बघूया क्या करता डीजे। शटकार विजय का जो किसी और जल पे किसी और धन्यवाद ठीक है धन्यवाद 51 झालेले आहेत। धाव संख्येत चांगली भाषेत धडक पण दाखवली आहे ती विजय बेनगंसी यांनी। ओम साई को त्याने दाखवून ठेवलं आहे की एक्सपिरियन्स काय असतो, मॅच कशी खेळायची आणि
तीन जर मोठे प्लेयर आउट झाले तर आपण त्यात मोठेपणा किंवा आपण जो आपला एक्सपिरियन्स आहे तो कसा सामावून घेऊ शकतो, काय म्हणता विनर? उनको देख के छोटे प्लेयर जरूर कुछ ना कुछ सीख रहे रहेंगे कि कैसे एक मैच खेला जाता है। और अगली गेंद साहिल एक रन से साथ देते हुए विजय का, उनको सेंसिबल क्रिकेट खेल सकते हैं। जो सामने वाला जो प्लेयर है जो फॉर्म में है तो उसको स्ट्राइक निकाल के दे दो, तो वो अपने काम करके उनका काम उन पर डिपेंड कर दो। क्योंकि विजय मुझे अच्छा लगता है लास्ट 3 मिनट से अच्छा कर रहे हैं। भाव संकेत एक नंबर, भाव संकेत अल्ले दीपावन पूरी फ्रेंड का सामना करते हैं मुकेश अंसा विजय। दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक्सपीरियंस का अंबद षटकार है, याला तोड नाही या षटकाराला कव्हा की दे मैं विजय से जानना चाहूंगा उन्होंने भी क्या खाया आज, बहुत लंबे लंबे शॉट मारते हैं। आज जो मुकेश है वो अपना 700वां मैच खेल रहे हैं। अच्छा कम बैक, देखते हैं क्या होता है। डिक्लेयर जोन में भाव संख्या देखने में भाव संख्या बन लेती 59 जिकड़े 85 ची तीन चेंडू 59 शेवट ची तीन चेंडू 59 देखते हैं मुकेश और साहिल के अटैक करेंगे आपके हिसाब से। और बॉल कलेक्ट करने से पहले राहुल ने स्टंप पे लगा दिया, रुपया पंच ने थोड़ा सा लक्ष्य दिया है। चार चेंडू पुरुल जोन चेंडू 59 रन, बहु या काम होता है क्या, स्ट्राइक चेंज कराएंगे साहिल। हाँ हाँ हाँ, कहीं ना कहीं एंडिंग में आके साहिल ने थोड़ी ये गलतियां करते हैं। ये जो छोटे प्लेयर है विजय को उनको लेके खेलना चाहिए कि आप भाई मुझे एक रन निकाल के दो, मैं देखता हूं। देखते क्या करते हैं और दो रन डिक्लेयर जोन में आशीष 62 विन। मुझे एक में इसमें एक बड़ी बात कहनी थी कि जो साहिल ने जो लास्ट की तीन गेंदे हैं शायद महंगी ना पड़ गई उनके टीम को, क्योंकि विजय में जो फ्लो में थे जो उनसे बैट को जो मिडल हो रहा था बॉल कहीं ना कहीं गलती से। जिस प्रकार से उनके सामने वाली टीम में इतने अच्छे हिटर है जो तो सोहेल हो गए, आज तो सोहेल का मुझे लग रहा है धीमी है। सही कहा आपने। और उनमें और बाबू को भी जो प्लेयर अंडर 19 से जो अच्छे फॉर्म में जो निकल के आ रहे हैं कि उनके कैप्टन हुए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा बैटिंग में अब तक दिखाया नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस है शायद उनको वो काम में आ जाए। और उनके जो शॉट्स वो टाइमिंग वो एक्चुअली कहा जाए तो सीजन प्रैक्टिस करते तो उनकी बॉल को उनपे बॉल पे पूरा फोकस रहता है और बॉल को मिडल करते, इसलिए उनकी गेंदे जो लगती है बैट को बहुत दूर जाके। बाबू का एक जो कहना चाहिए या नहीं मुझे पता नहीं, बट एक जो है कि वो अपने घर में कम और ग्राउंड पे ज्यादा रहते तो उनको इस ग्राउंड के बारे में ज्यादा नॉलेज हो चुकी है, वो ग्राउंड के चप्पे चप्पे से नॉलेज है कहाँ की बॉल कहाँ गिर के कैसे आएगी, ही नो वेरी वेल। आशीष जी आपकी आपके ऑब्जर्वेशन को दाद देनी पड़ेगी, सही कहा आपने, वो घर से आधा ग्राउंड पे दिखते, जब भी मैं ग्राउंड पे आता हूँ बाबू वहाँ पे रहते ही रहते और बॉलिंग की प्रैक्टिस करते रहते, ये बहुत जरूरी है। वो शायद अपनी जो टीम है उनको जिताने में इतना प्रयास कर चुके उसमें एकदम मगरूर हो चुके, एक उर्दू का लफ्ज मगरूर मतलब उसमें पूरे घुस चुके, यस घुस चुके। चलो सोहेल खेरा और राहुल गुप्ता बल्लेबाजी को आते हुए 62 रन का जो भी टारगेट है मुझे लगता नहीं इतना हार्ड होना चाहिए, जो भी मेरे हिसाब से नॉलेज है एज पर मैं जो उनको देख रहा हूँ इतने साल से खेलते हुए। आशीष जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, आपके हिसाब से सोहेल अटैकिंग खेलेंगे या फिर डिफेंसिव खेलेंगे? सोहेल का जो पहले से ही है एक ही प्लान रहता है कि हंडा मारी चाहिए, मराठीतला एक शब्द है कि हंडा मारी, म्हणजे जर सहा चेंडू सहा धावा पाहिजे असतील तरी पण तो षटकारच मारून जिंकवणार आणि सहा चेंडू 36 रन चा पाहिजे असेल तरी तो षटकारच मारून जिंकवणार। मेरे हिसाब से सोहेल उनकी टीम के बहुत बड़े नाम है और उन्हें ये मैच में परफॉर्म उनके परफॉर्मेंस के बिना मैच जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा श्रीवंश 11 को। उन्होंने जो बल्लेबाजी में बल्लेबाजी से पहले जो गेंदबाजी में किया है उससे उनका कॉन्फिडेंस जो है जो 2 विकेट का फाइंड हो गया, सही कहा। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, जो राहुल इनके एक्सपीरियंस बैट्समैन है और इस साल के तो कैप्टन भी है, तो देखते हैं। राहुल को एक मेरा सजेशन रहेगा कि थोड़ा जिम विम जाया करो, फिट नहीं लग रहे हो आप अभी ग्राउंड पे। फिटनेस लाएंगे तो और बेहतरीन गेम दिखा पाएंगे वो, मेरे हिसाब से तो यही लगता है। पहला ओवर घेऊन येत आहेत धर्मबिंदन सिंह और सोहेल खेरा ज्यांना जो हैंडलाईच्या खेळासाठी प्रसिद्ध आहेत, बघूया। आपले सर्व पंचांना धन्यवाद।
आमची टीम जिंकून पंचवीस कामगिरी करताय, चला त्यांना चेंडू सामना करते सोहेल फराज. और पहली जो जैसे आपने कहा डिफेंस तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे, ये तो ये जो प्रिडिक्शन है ये साथ में खेल के ही मुझे मालूम हुआ है. बहुत बार देखा है एक चेंडू कैसे मटी है, एक चेंडू सहा धावा पूरी ले. इस ओवर में मुझे लगता है 3 सिक्स तो फिक्स है. क्या पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना चाहेंगे सोहेल. और दूसरी गेंद फिर से आपने सही कहा, मुझे तो लगता है 5 छक्के तक भी मार सकते हैं वो. देखते हैं कैप्टन ने बात करनी चाहिए धर्म से कि क्या गेंदबाजी कर सकते हैं इस जगह पे. कैप्टन मैं कहना चाहूंगा विकेट है सोहेल की, एक शॉट का मिस है बड़ी विकेट. नहीं वो जो मैंने कहा था वो चेंडू मुझे लगता है स्कोर बताने की जरूरत ही नहीं है, दर्शक अपने आप गिन लेंगे कि क्या स्कोर हुआ है. कम बैक करेंगे धर्म, देखते हैं क्रिकेट इज ऑल अबाउट कम बैक. एक ही गेंद है जो बॉलर को देने के लिए काफी है. अगली गेंद सामना करेंगे. हो नहीं बातचीत करना चाहिए कैप्टन ने, थोड़ा बातचीत करना चाहिए धर्म से. कैप्टन ने थोड़ा सा कान मंत्र डिस्कशन के लिए. सहा चेंडू चार चेंडू आणि षटकार चार, आणि जो 60 चा जो टार्गेट होता तो अतिशय लहान करून टाकलाय. बहुत बेहतरीन बैटिंग करते और क्या ये कैच हो सकता है, क्या कैच हो अच्छी गेंद भी निकले. अरे हां कृपया पंचांनी इंट्रोडक्शन करून घ्यायचं प्लीज. वहां रहिए कैप्टन को देखने दीजिए और आउट दिया है थर्ड एंड कमेंट दीजिए. बहुत बढ़िया अच्छी साल में बेहतरीन कैच ब्रिजेश का. धन्यवाद डीजे. आशीष जी क्या मैच तो पलट सकता है, बट मैं इसमें ये बताना चाहूंगा बच्ची ने जो सेंस ऑफ माइंड दिखाया कि एग्जैक्ट लाइन के जस्ट 2 इंच पीछे, इसमें हम बता सकते हैं कि उनका जो मैच में ग्राउंड में इन्वॉल्वमेंट कितना है मिलन. परफेक्शन दिख रहा है उनके फील्डिंग में, वो परफेक्शन. हाँ 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 एक सरप्राइज पैकेज राहुल पांडे को भेजा है. वन डाउन विराट कोहली की जगह पर राहुल पांडे जो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से कैच पकड़ने में माहिर है. चलो कृपया पंचांनी लक्ष द्यायचं थोडा फलंदाजी कडे की ग्राउंड मध्ये काय होत आहे. 5 चेंडू धावा झालेला आहे 24. जैसे आपने कहा आशीष जी एक गेंद ही काफी कम बॅक केली और वो कम बॅक धर्मजी ने कर ली है. देखिए ये कम कितना और मुमकिन है जो सोहेल ने लाइन छोड़ के गए है. नहीं क्या आपको इस शॉट में क्लास दिखा था. क्लास तो है बट क्लास के साथ जो बैट फ्लो पांडे का है वो जबरदस्त है. कुछ करेक्शन था तो ओवर की समाप्ति. धाव संख्या चल रही थी 25. महंगा ओवर पर बड़ी विकेट साथ में तो 62 है. सोया है क्या. हेलो 62 मतलब 25 रन सा एक ओवर मध्ये झाले. परम यांना मोठा षटकार आलेला आहे याच्यात. कहीं ना कहीं सोहेल जी अफसोस करते हुए कि वो शॉट. एक करेक्शन है इसमें, एक अपडेट देना चाहूंगा कि 30 गेंदों में 37 रन, इट मींस 30 बॉल्स नीड टू 37 रन ओनली. 37 उल्टा आलेला पुढच्या ओवर घेऊन. मुझे लगता है जो राहुल को भेजा गया है माइंड ऑफ सेट है उनका कि बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए. उन्होंने बाबू को बचा के रखा है फिनिशिंग के लिए मेरे ख्याल से. ये पांडे को भेजने का यही एक प्लान दिखता है मुझे. देखते उनके जो पहले 2-3 बल्लेबाज है मैच जो 60-80% बोल सकते हैं उनके उनके नाम ही है. जी जी बाबू को प्ले टू वॉच आउट, वो मेरे लिए प्ले टू वॉच आउट फॉर भी बाबू ही है. ये नहीं मानने वाले आज, मुझे लगा था ये जो सरप्राइज पैकेज है ये बड़ा बड़ा है बड़ा धमाका. ये इनका जो क्लास है जो पांडे का वो एकदम राहुल द्रविड़ की तरह है. क्या आपको लगता है उनकी टीम ने उनको काफी अभी जो पांडे है अभी देखते हैं कि उनको जो फ्लो मिला है उनके जो बल्ले से गेंदे निकल रही है उनके चार संकेत आने पर. ओहो 33 झालेले आहेत बघूया. चार चेंडू 33 रन झालेले आहेत.
आणि राहुलने मला वाटते इशारा केलेला आहे तो मार मारचा, मार मारचा म्हणजे षटकारच मार, थांबूच नको. टीमने राहुल पांडे पे भरोसा दिखा. ओ माय गॉड, क्या बेहतरीन बैटिंग करते हुए, क्या आपने उम्मीद की थी आशीष जी. या 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 मुझे लगता है कि इतने साल एसपीएल के हो गए, ये जो दो छक्के हैं वो पांडे के बैट से कमी नहीं करते. इन्होंने अभी जो अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया है, अपनी डाइट पे जो ट्रैक किया है, उसकी वजह से ये मुझे लग रहा है. क्या बोलते हो और आजकल कॉन्फिडेंस क्या हुआ. ये किसका सरप्राइज था मेरे लिए अदर देन विजय. 39 दस संख्या सहाने पर दस संख्या दस 39. आशीष जी, आशीष जी आप उनका स्टैंड देखिए कितना कॉन्फिडेंस है. ये देख कमेंडेटर, अच्छी 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 बैटिंग, जोरदार तालियां राहुल के लिए, जोरदार तालियां, अच्छी बैटिंग की राहुल ने. बॉल बॉल उससे भी कम रन चाहिए, 24 गेंदे और रन 23. ये जो सोहेल और जो राहुल ने K6 मार के गए ना, उसमें सारा गेम पलटी हो गया है. अभी इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी इनकी सामने की टीम में कि इनके पास बॉलर अच्छे अच्छे हैं, बट जो बैट्समैन प्रॉपर बैट्समैन खेलते हैं बैट्समैन है वो राहुल है, तो क्या वो जिम्मेदार को देखते कैसे निभाते हैं. क्या बोलते हैं उन्होंने एक पैकेज पीछे भी रखा है बाबू के नितेश के नाम पे, तो वो भी मत भूलिए. अभी बॉल टू बॉल एक तरफ, मेरे हिसाब से तो एक तरफ भी मैच झुका हुआ है. 24 बॉल 23 रन, फिर भी विकेट से कमबैक करा सकते हैं. क्रिकेट देखो क्या है, दो गेंद चाहिए बैट्समैन को आने के लिए और एक गेंद चाहिए बॉलर बॉलर को आने के लिए सामने वाले. और ये जो सारा जो गेम है वो देखो, मैं एक बात जानता हूँ क्रिकेट से, ये जो मैच है जो बैट्समैन जीत सकते है, बट जो टूर्नामेंट जो आपको ट्रॉफी चाहिए वो बिना बॉलर के आप जीत नहीं सकते. बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है. और देखते हैं आटा वो विकेट निकाल के दे सकते हैं कि पहले ही गेंद नो बॉल और राहुल और एक रन. चला पंजांचा हाथ वरती येणार आहे, कमरेच्या वरती पंजांचा हात, हिट आहे मुकेश यांनासाठी, फ्री हिट फ्री हिट फ्री हिट, बघूया काय होत आहे. और मुकेश का ग्लव्स देख के मुझे तो लग रहा है ये बॉल बाहर जाने वाली है. आपको क्या लगता है, ओवर मैच की याद दिला रहे हैं. ओ नहीं नहीं, बेहतरीन गेंद, परफेक्ट गेंद आप कहेंगे इसको. आप परफेक्ट गेंद तो है, बट जो बैट्समैन है वो थोड़े अभी आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं मुझे. प्रैक्टिस की जरूरत है उन्हें लगता है. और नहीं, सेंसिबल सेंसिबल क्रिकेट यही करना है, यही करना है, आप यही करना है. मैच जीतना है तो जिम्मेदारी के साथ खेलना पड़ेगा. आपका कैप्टन था, कैप्टन सामने है तो आराम से खेलो. ओहो इन शॉर्ट, बढ़िया बढ़िया फील्डर हमारे किंग को भूलिए मत, वो एक टाइम के बेस्ट फील्डर हुआ करते थे, अभी भी है बट उतना इन्वॉल्वमेंट उनका गेम का थोड़ा कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर. चलो क्या आपको कोई वादा नहीं, जोश जोश थोड़ा कम हुआ है. 21 गेंद है, 20 रनों की जरूरत है, इसलिए राहुल विकेट नहीं चाह रहे क्योंकि उन्हें पता है बॉल टू बॉल है. आणि आपल्या युट्यूबर कडे जात आहेत, युट्यूबर ना सन्मान दिलेला आहे. कमोन तिथे चार चेंडू 48 रन और डिक्लेअर केले एक रन, डिक्लेअर धाव संख्येत दोन नाही धाव संख्येला झाली होती 50 और जोरदार टाळ्या संघाच्या 50 झाले, 12 रन्सांची गरज आहे. पुढील चेंडू फ्री हिट असेल मुकेश साठी, दुसरा फ्री हिट और अगली गेंद मुकेश ने बरोबर टाइम नहीं कर पाओ, बहुत बेहतरीन थ्रो आउट 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 का ये बेहतरीन थ्रो. क्या कहना है पार्थ ने, जो बच्चों की मैच थी या फिर उनके जो साथ में बैट्समैन अच्छी मतलब जो 50 मारे आज उन्होंने तो उनका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ऑब्वियसली. वो तो दिख ही रहा है उनके स्टैंड में, देखिए हमें कैसे घूरते हुए. चलो 19 गेंद है 12 रन, बट ये मैच है विकेट्स पे जीता जाएगा. क्या मयूर विकेट दिला सके. ओहो क्लास क्लास, ये जो क्लास का है, कवर ड्राइव है, ये बुक के हिसाब से मारा गया है, जो बुक में लिखा है एज पर राहुल नाम के प्लेयर्स क्या क्लास ही दिखाते. ये राहुल राहुल नाम दो है और राहुल तो एक राउंड इतना भारी पड़ रहा है तो दो राउंड सामने वाली टीम पे कितना भारी पड़ सकता है. स्कोर स्कोर बता, स्कोर 11 चाहिए. बॉल कितना हुआ रे, स्कोर बजाते रहे हम नहीं है. कितना हुआ स्कोर, कितना हुआ. नो बॉल, पुन्हा एक आहे षटकार, मॅच ला खळा लागलेली आहे पूरा, एक तरफ हो चुका. 5 का 5 का टच धन्यवाद टीचर,
मैच याच वरी संपेल, चार धावांची आवश्यकता, 58 झालेली आहे. इवान्स लेवनने दिखा दिया कि उन्हें कम ना समझिए, नो बॉल नहीं, बाबूला चांस दिलेला आहे मोठा फटका खेळण्याची संधी बाबूला. चला तिकडून आवाज आलेला आहे सोहेल यांच्या, फिनिश इट कर, फिनिश इट, क्या माहिती से छक्का मार के खत्म करेंगे. ओ और कार्पेट और चार शीख प्रेक्षण कमांड डीजे मैच जिंकलेली आहे ती. श्रेवांश इलेवन हार्ड लगता आहे हॅलो हॅलो धन्यवाद डीजे. सही खरे मेरे कमेंट्री बॉक्स जवळ यायचं आहे, त्यांना मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक देत आहेत. दोन विकेट्स आणि सोहेल खैराज ब्रिजेश बनबनसी कृपया त्यांना पारितोषिक द्यायचं आहे. रेड कॅप का देख 38 था शायद मेरा. अभी नेक्स्ट मैच से चेंज होगा. चला ब्रिजेश बेसबन से ना मैन ऑफ द मैच से ट्रॉफी दोनों को हम लोग के पास ही है. जाओ हेलो सोहेल खैरा जोरदार टाया हो जाओ. चांगली गोलंदाजी, चांगली फलंदाजी, पहले चार षटकान मध्य सामना अपने जोड़ी चार चेंडू मध्य सामना अपने जोड़ी झुकन गए अपने बाजूला. सोहेल इम्प्रेसिव क्रिकेट, इम्प्रेसिव इम्प्रेस किया है. पुढील मायरा इलेवन वर्सेस चला टॉससाठी एज अ कमिटी कमिटी थोडस घ्यायचं बघा काय चालू आहे. आपली पुढची मॅच टॉस उडून घ्या पटापट. चला